नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। ग्रामीण एकता मंच परासी के द्वारा 10 सूत्री मांगों को लेकर धनबाद के गोविंदपुर स्थित केजी स्प्रिट एलएलपी फैक्ट्री के मुख्य द्वार के सामने हजारों की संख्या में ग्रामीणों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। वहीं ग्रामीणों के समर्थन में बतौर मुख्य अतिथि धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह की अगुवाई में गोविंदपुर परासी में निर्मित फैक्ट्री का घेराव किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह ग्रामीण एकता मंच के अध्यक्ष शरीफ अंसारी ने की और संचालन अनवर अंसारी ने किया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि केजी स्प्रिट एलएलपी फैक्ट्री गोविंदपुर परासी में मानव जीवन को प्रभावित करने वाले पदार्थ निर्मित करने वाली फैक्ट्री का निर्माण होना है। ऐसे में मानव मूल्यों को ताक पर रखकर वो फैक्ट्री का निर्माण नहीं होने देंगे। ग्रामीणों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सहित 10 सूत्री मांगे हैं, जिसे कंपनी प्रबंधन को पूरा करना होगा। ग्रामीण एकता मंच के लोगों ने, धनबाद जिला कांग्रेस के लोगों ने, इंटर के लोगों ने संयुक्त रूप से मिलकर के प्रबंधन को 10 सूत्री मांग पत्र दिया था। जो जो बेरोजगारी के भी सवाल था, पानी का भी सवाल था और रोड का भी सवाल था, सारे और यहाँ शिक्षा का सवाल था, सारे सवालों पर 10 सूत्री मांग पत्र लोगों ने दिया था। लेकिन प्रबंधन के लोगों ने इसको उचित नहीं समझा और ना ही ग्रामीण के लोगों से वार्ता करने काम किया। लेकिन जिस दिन हम 15 तारीख को यहाँ पर इंसाल जुलूस था, उसमें आना कारण जब कार्यक्रम देखिए मेरा बार नाम जब आया तो प्रदेश से कई नेताओं को इन लोगों ने विरोध करने का काम किया। और प्रबंधन तो इसी टाइप से काम करता है, जो प्लांट लगाते हैं तो चारों तरफ अपना टावर लगा कर रखते हैं। तो कुछ लोगों ने, मेरे पार्टी के लोगों ने हम जानना चाहा क्या मामला है, क्या है। हमने कहा कि मामला साफ, ग्रामीण उग्र है, ग्रामीण साथ जुलावा हो रहा है, इसलिए ग्रामीण और इससे कंपनी बात नहीं कर करके दलालों और बिचौलियों से बात कर करके अपना काम शुरू कर दिया है। तो उन्होंने कहा था देख लेना है, ये मामला है, तो हमने कहा ये यही मामला है। फिर हमारे नेताओं ने कहा कि आप जैसा उचित समझो वैसा करो। उसके बाद कंपनी का यहाँ का हेड भी हमसे फोन किया था, उससे बात हुई, उससे कलम मिलना चाहता था। हमने कहा कि हमारी कोई कलम मुलाकात नहीं होगी, जब बात होगी ग्रामीणों के साथ बात होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हमारे साथ मिसबिहेव भी हो सकता है, उसका मैंने भैया फोन गारंटी लेगा। हमने कहा कोई मिसबिहेव नहीं होगा, आप बात करो। ग्रामीण के लोग बुनियादी परिवार से नहीं है, उनकी बात करेंगे, उनसे बात करेंगे और निकलेगा। तो बोले बहुत सारे मार डिमांड हमने पूरा कर दिया, आपने पूरा कर दिया, तो जब बैठोगे टेबल पर तो पता चलेगा आपने क्या बोला क्या। दिनसा के लोगों को यहाँ का ग्रामीण बताइएगा तो नहीं चलेगा। अब मैथन के लोगों को यहाँ पर ग्रामीण बताएगा तो नहीं चलेगा। हमारे यहाँ इस गांव में प्रोजेक्ट लग रहा, आप निरसा तो चाची और झरिया का लोगों को बताइए कि वहाँ के लोगों का ये नहीं चलेगा। 75% झारखंड सरकार का भी गाइडलाइन है, 75% लोगों को रोजगार देना है, यहाँ इन को जो भी सुविधा है वो देना होगा। आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए, हर बहुत सारा बात है जो CSR के तहत होता है काम, वो सब कराना चाहिए, यहाँ का ग्रामीणों का भी विकास होना चाहिए। वहीं गोविंदपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज कुमार हाड़ी ने कहा कि ग्रामीणों की मांग जायज है और प्रबंधन इस पर अविलंब ग्रामीणों के साथ सफल वार्ता करे, अन्यथा वो लोग गांधीवादी जरूर हैं लेकिन ग्रामीणों के हक अधिकार के लिए सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के रास्ते पर भी चलकर ग्रामीणों के हक अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। ग्रामीण एकता मंच जो यहाँ ग्रामीणों का एक सिंडिकेट माने एक कमेटी बना हुआ है, जो यहाँ 4-5 गांव जो इस कंपनी का रूल रेगुलेशन, कोई भी कंपनी का रूल रेगुलेशन होता है, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी यहाँ पर लगती है, तो उसका 7 से 8 किलोमीटर दायरा को ही उसको स्थानीय माना जाता है, पहला प्राथमिकता उन्हीं को दिया जाता है। तो वहाँ के ग्रामीणों को मिला करके ग्रामीण एकता मंच बनाया गया, जो करीब 30 से 40 लड़कों का टीम बना हुआ है। और उसी मंच के माध्यम से और हमारे इंटक के जिला अध्यक्ष है उनके माध्यम से, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इनको मांग पत्र दिया गया था, 10 मांग जो बिल्कुल मैंने हमारे संविधान के तहत जो हम लोगों को जायज मांग है, जो ग्रामीणों का हक अधिकार है। यदि हम शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं, स्वास्थ्य का मांग रहे हैं और आपका रोड नाली को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, चूँकि
आप जो यहाँ आवागमन कीजिएगा, बड़े बड़े गाड़ी यहाँ पर आएंगी, चूँकि ग्रामीण इलाका है, छोटी छोटी सड़कें हैं, आप उसको चौड़ीकरण नहीं कीजिएगा, कल किसी ग्रामीण का एक्सीडेंट हो जाएगा, उसका जवाब दे के लगा यहाँ, चूँकि हम लोग घर ग्रामीण है इसलिए यहाँ पर बच्चे भी खेलते रहते हैं आंगन समझ करके, तो उस चीज़ का रिस्क फिर कौन लेगा, इसलिए सड़कों को ठीक करना होगा, स्वास्थ्य को ठीक करना होगा यहाँ का, इससे जो कंपनी का लगने से जो यहाँ पर इन्वायरमेंट जो दूषित होगा उसका के जवाबदेही बनेगा, उसके लिए भी आपको वार्ता करना पड़ेगा। तो ये सब सारे चीज़ों को यदि यहाँ के ग्रामीण मांग रहे हैं तो क्या गलत मांग रहे हैं, ये उनका हक है, अधिकार है। इस मौके पर इरफान खान अंसारी, डेविड उर्फ सोनू सिंह, गुड्डू खान इंटक के जिलाध्यक्ष अशोक मोदक, सोनू अंसारी, शाहरुख खान, अरविंद कुमार सैनी, शरीफ अंसारी, तारिक अनवर, अजहर अंसारी, अनवर अंसारी, सद्दाम हुसैन, सुजीत रवानी, बबलू बावरी, नंदलाल बावरी, नरेश बावरी, आशुतोष बनर्जी आदि के साथ ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। एआरआई न्यूज के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट।